में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ स्वेट प्रूफ मेकअप। जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो बहुत ही ज्यादा होता है कि पार्टीज से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जब हम मेकअप करके जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक बड़ी दिक्कत होती है कि पसीना जब आएगा तो क्या होगा। तो उसी के लिए हम जनरली नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि एक बार हमने प्रोडक्ट खरीद लिया तो हम दोबारा से खरीद कर लाएंगे सारे वाटर प्रूफ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है सारे के सारे वाटर प्रूफ प्रोडक्ट खरीदना। तो हमारे पास जो भी है हम उनसे ही अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ कैसे कर सकते हैं, बस छोटी छोटी दो तीन सिंपल ट्रिप सॉरी दो तीन छोटी छोटी सिंपल सी ट्रिक है जो मैं आपको दूंगी, या फिर टिप्स हैं, आप उनको बस जस्ट अप्लाई कीजिए और जैसे आप जनरली मेकअप करते हैं वैसे ही कीजिए। तो हल्का फुल्का जो डे में आप मेकअप कर सकते हैं वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को घंटी के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले मैं ये आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है ये वाइट कलर का हैंकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइम बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं है, तो अभी थोड़ा डल लग रहा है फेस, और मैंने अच्छे से पहले फेस वॉश कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से मैंने फेस वॉश कर रखा है और कुछ भी नहीं लगाया हुआ है इस टाइम। तो स्वेट फ्री मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक आइस क्यूब, और जहाँ भी ज़्यादा ऑयल एक्सेस में आपको निकलता है, जहाँ भी पोर्स होते हैं खुले हुए, सबसे पहले उन पार्ट्स पे हम थोड़ा ज़्यादा ही आइस क्यूब लगाने की कोशिश करेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप घर के बाहर होते हो, आपके पास आइस क्यूब नहीं है, तो उस केस में आप थोड़ा ठंडे पानी से फेस को यदि वॉश कर पाएँ, यदि पॉसिबल हो सके तो कर लें। आइस क्यूब लगाने पर जो भी आपके खुले हुए पोर्स हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा जो एक्सेस ऑयल है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो मैंने आइस क्यूब को पहले लगाया है और हल्का सा हाथों से टैप भी किया। अब मैं एक टिश्यू पेपर लेके जो भी एक्सेस वाटर हो गया है मेरे फेस पर उसको हटा रही हूँ। यदि आप दिन के टाइम पर मेकअप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगाना ना भूलें, लेकिन अभी मेरे को बाहर नहीं जाना है तो मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं नॉर्मली प्राइमर की जगह पर यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। जैसे कि मैंने आपको पहले की भी वीडियोस में बताया हुआ है कि एलोवेरा जेल अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्राइमर होता है, और यदि आपने मेरा फाउंडेशन वाला वीडियो नहीं देखा है कि फाउंडेशन को अच्छे से कैसे अप्लाई करना चाहिए या आप इजीली कैसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है और उसे मैंने अपनी नेक पर और फेस पर पूरे पर पहले अच्छे से अप्लाई कर लिया है, जिससे मेकअप प्रोडक्ट हमारे फेस के अंदर ना जाए। अब ये सेट हो गया है, तो जो सेकंड स्टेप है हमारा बेस बनाने के लिए वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। तो मैंने फाउंडेशन की बहुत छोटी छोटी सी बिंदी लगा ली है। और यहाँ पर मैंने यूज़ किया है लॉरियल का फाउंडेशन। आपके पास जो भी फाउंडेशन है आप उस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं इस मेथड में। अब हम इसे अच्छे से अप्लाई कर चुके हैं, तो अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर मैंने लिया एक बेबी पाउडर, क्योंकि जो पाउडर होता है वो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है उसको पूरा का पूरा खुद में ले लेगा। तो अभी मैं यहाँ पर भूत बनने वाली हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा ज़्यादा बेबी पाउडर पूरे पर टिप से लगा लूँगी अभी इसी तरह से चारों तरफ। और जैसे कि ये पार्ट होता है नोज़ का पार्ट है आपका, या फिर फॉरहेड है जहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा पसीना लगता है, आप उस पर लगा लें इसको।
बस मैंने इसको ऊपर से हल्का हल्का सा टैप कर लिया है और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। 2 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक टिश्यू पेपर। आप कोई भी बेड वाइप या फिर कोई भी फेस टिश्यू पेपर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। यदि कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल हैंकी ही यूज़ कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पर हमने पाउडर यूज़ किया है उसको हम सारा का सारा हटा देंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रह गया था फेस पर वो सारा पाउडर ले लेता है और उसके बाद हमने उस पाउडर को रिमूव कर दिया अपने फेस पर से। इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर घर पर ही बनाया हुआ मेकअप सेटिंग स्प्रे। मेकअप सेटिंग स्प्रे वैसे तो मेकअप के बाद लगाया जाता है लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी लगाया है। मैंने कई बार नोटिस किया है यदि आप पहले भी लगाते हैं तो उससे आपका मेकअप काफ़ी देर के लिए वाटर प्रूफ हो जाता है। और जो अभी हमने पाउडर यूज़ किया था वो भी थोड़ा बहुत एक्सेस में आपके फेस पर रह जाता है जो आपको थोड़ा सा भूत जैसा दिखा सकता है, तो वो भी नहीं होगा। पहले हमने इसको लगाया है और हल्का हल्का सा टिश्यू पेपर से टैप भी कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा बेस रेडी हो गया है। और यदि आपके फेस पर ज़्यादा दाने हैं या स्पॉट हैं तो आप थोड़ा सा कंसीलर इसके बाद ज़रूर यूज़ करें, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको सीधे सेट कर रही हूँ फेस पाउडर से। तो इस फेस पाउडर को लगाने के बाद हमारा जो बेस है मेकअप के लिए वो एकदम रेडी हो जाएगा। और बस मेकअप कंप्लीट होने के बाद एक ही स्टेप बचेगा। तो यहाँ पर मैंने फेस पाउडर लगाया है पहले और अब मैं ले रही हूँ एक ब्रश। और जो भी एक्स्ट्रा पाउडर हमारे फेस पर है उसे हम ब्रश की हेल्प से सारा का सारा हटा देंगे। ये छोटे छोटे 3 स्टेप यूज करने पर आपको खुद ही फील होगा कि यदि आपकी ऑयली स्किन भी है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो भी नहीं आएगा। मैं यहाँ पर लगभग थोड़ा सा नेचुरल मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज नेचुरल मेकअप आपको पसीने में रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो इतना लाइट होता है। मैं यहाँ पर हल्का सा ब्लशर यूज़ करूँगी पहले। मैं कोई ज़्यादा हाइलाइटर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ और आई मेकअप पर भी मैंने यही हल्का सा ब्लशर यूज़ किया है पहले इसका बेस लगाने के लिए, क्योंकि मैंने आज आई मेकअप के लिए कंसीलर यूज़ नहीं किया है तो मैंने हल्का सा पहले इसको ब्लशर दे दिया है जिससे एक बेस इस पर सेट हो गया है। अब आंखों को आगे से हल्का सा हाईलाइट करूंगी मैं बिकॉज हम लोग आज नेचुरल मेकअप दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हम हाइलाइटर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे हमारे फेस को एक बहुत ही नीट और परफेक्ट वाला लुक मिलने लगेगा। हल्का सा इसको नोज़ पर और अपर लिप पर लगाऊंगी हाइलाइटर को और हल्का हल्का सा चीक बोन्स पर। और ये बहुत ही लाइट पाउडर बेस हाइलाइटर यूज़ किया है यहाँ पर मैंने जो बिल्कुल भी शाइनी या सोई नहीं होता है। और इसको नॉर्मली मैं ब्लशर ब्रश के साथ बस हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी। बिल्कुल न्यूड और मैट आई शेडोज के साथ हम लोग अभी मेकअप दे रहे हैं, हल्का सा बहुत लाइट मेकअप दे रहे हैं हम लोग आंखों को। यहाँ पर मेरे पास मैट आई शेडो पैलेट है और यहाँ पर है हल्का सा ग्लिटरी वाला क्यूमेट आई का। तो हमने यहाँ पर आई शेडो को स्टार्ट करने के लिए जो हमारी क्रीज लाइन है आउटर क्रीज लाइन उससे स्टार्ट किया है और इसको इनर क्रीज लाइन तक हल्का सा लाते हुए हम यहाँ पर एकदम लाइट शेड दे रहे हैं।
ये मैंने लाइट वाइट कलर का हाइलाइटर आईब्रो बोन्स पर हल्का सा लगाया है, और जो भी हाइलाइटर आज मैं यूज़ कर रही हूँ वो काफ़ी हद तक मैट हैं, जिसे ये दिन के टाइम पर बिल्कुल भी शाइन ना करें। और पाउडर बेस है जिसकी वजह से आपका फेस बिल्कुल भी मेकअप ऐसा नहीं लगे कि आपने ओवर मेकअप कर रखा है। थोड़ा सा फेस को शेप देते हुए मैं डार्क कलर का आई शेडो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कंटूर के लिए। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का कंटूर यूज़ किया है जो मैंने नॉर्मली आई शेडो पैलेट से ही यूज़ किया है। मैं यहाँ पर विंग आईलाइनर नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल आईलाइनर लगा रही हूँ। और उसके बाद मस्कारा जो आपको परफेक्ट नेचुरल लुक या फिर डे मेकअप के लिए बहुत ही परफेक्ट होता है। मैंने अपनी अपर आई लैसेस के साथ हल्का सा लोअर आई लैसेस पर भी लगाया है। और यहाँ पर ये मेरे पास वाटर प्रूफ लिपस्टिक नहीं है, ये नॉर्मल लिपस्टिक है, मेबलिन का शेड है ये, इसको अप्लाई किया है मैंने यहाँ पर। लेकिन लिपस्टिक को यदि आप मैट यूज़ कर सकते हैं तो आप लिपस्टिक मैट यूज़ करें, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है और यदि आप पानी पीते हैं कुछ भी पीते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने आपको लिपस्टिक के पहले भी कई सारे मैट शेड बताए हुए हैं, एक मैंने आपको बताया था, सॉरी मैं खुद भी भूल गई, अभी मैं आपको दोबारा बताती हूँ। और इसके बाद हम फिर से जो हमारा बनाया हुआ घर का DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे, हमने दूर से इसको लगाया है और 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे हम इसे और हमारा मेकअप एकदम सेट हो जाएगा। इसको बस हल्का सा आप 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे और जो भी एक्स्ट्रा मेकअप है वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऊपर से लगा रखा है। मैं आपको, आप ये 2 मिनट हो गए तो एक वाइट कलर के हैंकी से दिखाती हूँ कि देखिए बिल्कुल भी फाउंडेशन या कोई भी पाउडर बिल्कुल भी नहीं आया है, जबकि मैंने आपके सामने यहाँ पर फेस पाउडर फाउंडेशन सब कुछ यूज़ किया था। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने मेकअप को स्वेट प्रूफ और वाटर प्रूफ करने का, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें और आपको ये कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताएँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ पार्टी में जाने के लिए और आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। आप इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए प्लीज़।